नीतीश कुमार जी ने खुद ही कह दिया है ना, उन्होंने तो कई बार कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा, जब कितना दिन करें। और फिर किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर बिहार की जवाबदेही देने की बात उन्होंने खुद कर दी, फरमान जारी कर दिया कि अब राष्ट्रीय जनता दल के लीडरशिप में बिहार को चलना है। राष्ट्रीय जनता दल का भी वह परिवार, जिस परिवार ने बिहार को जिस तरह से बर्बाद कर दिया था, त्राही त्राही बिहार के लोग कर रहे थे, उसी परिवार को फिर से सौंपने की बात नीतीश जी कर रहे हैं। वो तो अपनी विदाई की बात तो खुद ही नीतीश जी ने कही है ना। आपसे सहरसा आए हैं, जिला कार्यकर्ता सम्मेलन का कल आयोजन हुआ था, उसमें शिरकत किए हैं, क्या दिशा निर्देश दिए हैं पार्टी के लोगों? हमने कहा है लोगों से कि पार्टी के साथियों से कि पार्टी को हर टोला मोहल्ला में पहुंचाइए, हर मतदान केंद्र तक पहुंचाइए, संगठन को मजबूत कीजिए। एक तो संगठन, हमारी पार्टी कुछ दिन पहले बनी है तो संगठन को भी पहुँचाना है, और संगठन पहुँचाने के क्रम में लोकसभा चुनाव की भी तैयारी करते रहना है। आज 13 तारीख है और आज शिक्षक के मुद्दे को लेकर बीजेपी जो विधानसभा मार्च करने जा रही है, इसको लेकर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है पूरा निपटने के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, अब सरकार के पास कोई काम तो बच गया नहीं, बच ही नहीं गया है। शिक्षकों का जो मौलिक सवाल है, उनकी जो समस्या है, या बाकी और भी किसी भी सेक्टर के लोग जब आंदोलन करते हैं उनके सवालों पर सरकार ध्यान दे, यह तो है ही नहीं। अब लोग आंदोलन करते हैं, उनके आंदोलन को जैसे भी हो दबाओ, लोग सड़क पर उतरते हैं, पुलिस के द्वारा उनको पिटवाओ, विभाग से विचित्र विचित्र तरह का फरमान जारी कराओ, तो ये बस इतना ही बच गया है। शिक्षकों की समस्याओं का समाधान कैसे हो, या राज्य का दायित्व बनता है। और हमने बार बार मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि आप हस्तक्षेप कीजिए, शिक्षकों के प्रतिनिधियों को बुलाइए, बैठ कर बात कीजिए और समस्या का समाधान कीजिए, लेकिन उसकी जगह लोग लाठी चलवाएंगे, यही तो इनका बच गया। आज प्रदर्शन है, प्रदर्शन का समर्थन करते हैं आप? अरे निश्चित रूप से आंदोलन तो किसी को भी करने का हक है, संविधान ने अधिकार दिया है कि कोई भी अपनी समस्या को लेकर सड़क पर उतरे, आंदोलन करे, तो आंदोलन करने का हक है। हाँ, अब सरकार का दायित्व है कि उसमें कौन कौन मांग को मानना है नहीं मानना है, उनके प्रतिनिधियों से बात करके सरकार तय करे। क्या शिक्षक के मुद्दे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा सड़क पर आएंगे? हम तो लगातार हमारी पार्टी कर रही है, और आप आवश्यकता अनुसार हम लोग पहले भी करते रहे हैं और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो करेंगे। किसान सलाहकारों के साथ मारपीट हुई है, हम तो बता रहे हैं ना, हम नाम अलग अलग क्या लें। जो लोग भी आंदोलन करते हैं, सरकार उनकी समस्याओं पर नहीं ध्यान देती है और लाठी चलवाकर उनकी आवाज को बंद करना चाहती है, इतना ही तो इनका काम बच गया है। देखिए, इसको क्या माना जाए, टर्म भी कुछ देना मुश्किल सा है, बिल्कुल अराजक स्थिति है, कुछ है ही नहीं, जिसको जो मन में आ रहा है वही कर रहा है। अब मैंने कहा ना, अब शिक्षा विभाग का यही काम है कि किस तरह से बस शिक्षकों के सवालों को छोड़ दें और आपस में भिड़ते रहें, तो ये लोग इसी काम में, इसी तरह के कार्यों में लगे हुए हैं जिसका विकास से कोई रिश्ता नहीं है, बस अहंकार में या फिर अराजक माहौल में जिसको जो मन में आ रहा है कर रहा है। सर, सहरसा का एक सवाल है, सहरसा में बीते 4 दिनों में 2 कैदी की मौत हुई है जेल में, इस पर जेल प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं, इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं? हमको इस घटना की जानकारी नहीं है, कैसे बोलूं? आगामी चुनाव को लेकर क्या आप अपनी पार्टी को बिहार में कितना मजबूती से खड़ा होकर देखें? पूरी मजबूती से, हमारे लोग तो सब जगह है ही, हर गाँव में है, उनको सूत्रबद्ध करना है, बस इतना ही काम है जो हमारे साथी कर रहे हैं। 31 जुलाई को आनंदमन जी जो है सहरसा के विकास के लिए एम्स और ब्रिज की मांग को लेकर जो है सड़क पर उतरने वाले हैं, इसको कैसे देखते हैं? अब देखिए, जिस चीज की जानकारी हमको नहीं है, हम उसके बारे में कैसे बता रहे हैं? आप नई नया सवाल पूछ रहे हैं, उसके बाद लोकल सवाल है। नीतीश कुमार सवाल की जानकारी, नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के भगवा पगड़ी पर सवाल उठाया, क्या कहें? अरे वो सब तो ऐसे ही चलते फिरते बात है, वो सब कोई इशू है, इशू जनता का सवाल है, वो नहीं इशू। शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के जो अधिकारी है उसके बीच कारी बड़ी कलह चल रही है, अंदरूनी कई कलह चल रही है, बात सामने आ रही है, दोनों सन की है, हम तो बार बार बोलते हैं, शिक्षा मंत्री जी भी सन की मिजाज के हैं और जो अधिकारी जिनकी बात आप कर रहे हैं वो तो महासन की दिमाग के पहले से, तो दोनों के बीच भिड़ंत है।